मेरे आपके हम सब के दोस्त ग्रुप में एक ऐसा बंदा तो होगा ही जो खुद को बहुत बड़ा गीक समझता होगा, यानी खुद को बहुत बड़ा टेक्नोलॉजी वाला, टेक्नोलॉजी से भी समझता होगा, टेक से भी समझता होगा, लेकिन उसके पास अगर आप किस कंप्यूटर के किसी भी चीज़ को लेकर के जाओगे ना, गेम काम नहीं कर रहा, उसका एक ही सोल्यूशन उसके पास है, फॉर्मेट कर दो कुछ भी, मतलब कुछ भी अगर आप उसके पास लेकर के जाओगे तो उसका एक ही आंसर होगा, फॉर्मेट कर दो। गेम नहीं चल रहा है, फॉर्मेट कर दो। ऑडियो नहीं आ रहा है, फॉर्मेट कर दो। रिजोल्यूशन सही से नहीं आ रहा, फॉर्मेट कर दो। कंप्यूटर थोड़ा लैगी लैगी चल रहा है या हैंग कर रहा है, फॉर्मेट कर दो। यानी कुछ भी अगर आपके पास क्वेश्चन होगा तो उसके पास एक ही सोल्यूशन है, फॉर्मेट कर दो। तो आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि क्या फॉर्मेट करना ही एक अल्टीमेट और बहुत अच्छा तरीका है कंप्यूटर को लैगी होने से बचाने के लिए, या फिर किसी से तरह का कोई सॉफ्टवेयर चलाने के लिए। तो हे गाइस, माय नेम इज सुशांत, आपका स्वागत करता हूं टेक्नोलॉजी ज्ञान सागर में। आइए ज्ञान के सागर में डुबकी लगाते हैं। तो यहां पे हम लोग एक चीज समझते हैं कि हर चीज अगर आपके हाथ में, पैर में या कहीं पे कुछ चोट आई है तो इसका मतलब ये थोड़ी है कि हाथ को काट करके फेंक दोगे भाई, पैर को काट करके फेंक दोगे। हर चीज का एक छोटा छोटा सोल्यूशन भी है। क्या है वो सोल्यूशन, चलिए उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि कंप्यूटर हैंग कर रहा है। ये एक नंबर प्रॉब्लम होता है कि बहुत लोगों के मेरे पास क्वेश्चंस आते हैं, मेरे स्टूडेंट्स भी रह चुके हैं, उनका भी कहना है कि सर कंप्यूटर हैंग कर रहा है, क्या करें, क्या फॉर्मेट कर दें, क्या फॉर्मेट करना ही सोल्यूशन है? नहीं है। कंप्यूटर हैंग क्यों कर रहा है ये बात भी आपको समझनी चाहिए। चलिए कंप्यूटर हैंग क्यों कर रहा है, ये दो या तीन चीज़ें हम लोग मेन पकड़ लेते हैं। पहला, हार्डवेयर प्रॉब्लम है, यानी आपका कंप्यूटर हो गया है पुराना, आप उसमें चला रहे हो नए सॉफ्टवेयर्स, नए गेम्स, आपने उसका रैम बढ़ा दिया है जितना उस गेम को या उस सॉफ्टवेयर को चाहिए, आपने उसका हार्ड डिस्क बढ़ा दिया है जितना उस रैम या उस सॉफ्टवेयर को, सॉरी जितना उस गेम या सॉफ्टवेयर को चाहिए, लेकिन आपका प्रोसेसर, मदरबोर्ड, बायोस वही है, सेम टू सेम है, तो नहीं चलेगी। ठीक है, वो लैग करेगा ही करेगा, क्योंकि कंप्यूटर का जो प्रोसेसर उसका स्पीड उतना है ही नहीं जितना उस सीपीयू या उस गेम को या सॉफ्टवेयर को चलाने के लिए चाहिए। तो आपको क्या करना होगा, हार्डवेयर चेंज करना होगा। चलिए दूसरा पॉइंट पे आते हैं। आपने बहुत सारा ऐसा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर लिया है और उसके बाद उसको अनइंस्टॉल भी कर दिया है, लेकिन हर सॉफ्टवेयर या गेम्स हो कुछ ना कुछ फाइल्स अपने पीछे छोड़ जाते हैं। आपको कैसे पता चलेगा फाइल्स पीछे छोड़ जाते हैं, उसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फाइल्स छोड़ के जाते हैं और वो धीरे 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 वो बढ़ता जा रहा है। हर बार आप कोई ना कोई नया गेम इंस्टॉल कर रहे हो, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर रहे हो, वो धीरे धीरे अपने हिसाब से जो फाइल उसमें इंस्टॉल करने के बाद लेता है, अनइंस्टॉल करने के बाद वो सारे फाइल्स वो डिलीट नहीं कर रहा। तो धीरे धीरे आपका जो वहाँ पे जो फाइल्स या फोल्डर्स वो बढ़ रहे हैं, जिसके वजह से आपका हार्ड डिस्क का स्पेस कम हो रहा है। इस वजह से भी हो सकता है कि आपका हार्ड डिस्क कम कैपेसिटी का हो और उसकी वजह से लैग कर रहा है। तीसरा इम्पॉर्टेंट चीज़ है, आप लोग ध्यान नहीं देते हो लेकिन हमारे कंप्यूटर के जब हम लोग फोरग्राउंड में यानी सामने कुछ काम कर रहे हैं तो बैकग्राउंड में कुछ ना कुछ सॉफ्टवेयर चलता रहता है। तो सबसे पहले तो ये चेक करो कि क्या वहाँ पर ऐसा कोई सॉफ्टवेयर चल रहा है जिसकी आपको ज़रूरत नहीं है। सपोज कर लो फोटोशॉप या फिल्मोरा, एडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट्स, इस तरह के बड़े बड़े फाइल्स जो हैं, बड़े बड़े सॉफ्टवेयर्स जो हैं, क्या ये चल रहे हैं बैकग्राउंड में, जिसके वजह से। अच्छा, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जब भी आप सॉफ्टवेयर ऑन कर रहे हो और ऑफ कर रहे हो ये चल रहा है। कभी कभी तो बहुत सारे सॉफ्टवेयर जो हैं वो स्टार्टअप्स में ही चलने शुरू हो जाते हैं, यानी आपने कंप्यूटर ऑन किया और वो सॉफ्टवेयर धड़ल्ले से चलने शुरू हो गए और आपको उसकी जानकारी ही नहीं है। सपोज कर लो अगर आपका लैपटॉप है, हो सकता है उसमें बैकग्राउंड में ब्लूटूथ चल रहा है, वाईफाई चल रहा है, कैमरा बैकग्राउंड में कैमरा का सॉफ्टवेयर चल रहा है, ऑडियो का सॉफ्टवेयर चल रहा है, ठीक है, कोई वीएलसी में या फिर कोई भी मीडिया प्लेयर में आपने कुछ ओपन किया, क्लोज किया, वो बैकग्राउंड में अपना जगह खा रहा है, तो इस वजह से भी आपका लैग हो रहा है। ये सब तो हो गई लैग वाली चीज़ें, और भी बहुत सारी हैं तो वो मैं इस वीडियो में नहीं कवर कर रहा हूँ। उसके लिए मैं एक सेपरेट अलग से एक नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ कि अगर आपका लैग कर रहा है उसके प्रॉब्लम्स क्या हैं और एक एक प्रॉब्लम का पर्टिकुलर सोल्यूशन क्या है, एक ऑल ओवर सोल्यूशन क्या है। ठीक है, तो चलिए यहाँ पे आगे बात कर लेते हैं। अब बात करते हैं कि कोई सॉफ्टवेयर आपका इंस्टॉल नहीं हो रहा है,
ठीक है, या आप डबल क्लिक कर रहे हो वो एक झटके से दिख रहा है और फिर बंद हो जा रहा है। ये सॉल्यूशन, इसका क्या सॉल्यूशन हो सकता है? इसका सॉल्यूशन ये हो सकता है कि आपका हो सकता है रैम कमज़ोर है या फिर कम है, ठीक है, हार्ड डिस्क में स्पेस नहीं है, या आपका प्रोसेसर का उतना कैपेसिटी नहीं है उस सॉफ्टवेयर को या उस गेम को चलाने के लिए। तो आपको हार्डवेयर यहाँ पे आपको चेक करना होगा, क्या आपके पास वो सारे हार्डवेयर्स हैं जो उस सॉफ्टवेयर को या उस गेम को चलाने के लिए चाहिए या नहीं है। अगर हैं फिर भी वो सॉफ्टवेयर नहीं चल रहा तो हो सकता है उसका सेटअप फाइल में कोई गड़बड़ी हो। तो ये सब चीज़ें आप लोगों को चेक करनी पड़ेंगी एक किसी खास सॉफ्टवेयर को, खासकर ये बड़े सॉफ्टवेयर में होता है, 2 GB 3 GB का कोई जो अगर सेटअप फाइल है तो वो कहीं कहीं पर कुछ प्रॉब्लम ले लेता है। अब नेक्स्ट बात करते हैं, हैंग करने का बात हो गया, सॉफ्टवेयर इंस्टॉल अनइंस्टॉल इंस्टॉल नहीं हो रहा उसका बात हो गया। बहुत बार मैंने बहुत लोगों को देखा है कि वो लोग फॉर्मेट करते हैं, ठीक है, खासकर ये फॉर्मेट वाले सेक्शन में ही होता है, फॉर्मेट किया है और ऑडियो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भूल गए हैं या वीडियो का सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करना भूल गए हैं। अब देख रहे हैं क्या कि उनका ऑडियो नहीं आ रहा है और उनका दिमाग घूम गया। मेरे साथ शुरू शुरू में खुद खूब ऐसा होता था, जब मैंने शुरू शुरू में फॉर्मेट करना सीखा था विंडोज़, तब क्या चलता था, विंडोज़ XP चलता था शायद, विंडोज़ XP टू जब मैंने सबसे पहले इंस्टॉल किया उस समय ये प्रॉब्लम आती थी। उसके लिए उसका खुद का ऑडियो नहीं था तो मदरबोर्ड के साथ जो ऑडियो ड्राइवर आता था उसको इंस्टॉल करना पड़ता था, मुझे इस चीज़ की जानकारी नहीं थी तो ऑडियो आए ही ना। वीडियोस दिख रहे हैं तो बहुत बड़े बड़े आइकन दिख रहे हैं, इतने बड़े बड़े आइकन दिख रहे हैं, पूरे आइकन भी नहीं दिख रहे हैं। मैंने फिर से इंस्टॉल किया फिर भी वही प्रॉब्लम है। फिर मुझे पता चला कि नहीं, इसका अलग से सॉफ्टवेयर आता है, इसको अलग से इंस्टॉल करना पड़ता है। हालांकि अभी विंडोज़ 7, 8, 10 जो भी आप यूज़ कर रहे हो तो उसमें तो ये चीज़ प्री इंस्टॉल्ड है, वो घबराने वाली बात नहीं है। अगर फिर भी नहीं आ रही है ऑडियो या वीडियो नहीं आ रही है या फिर वीडियो ख़राब आ रही है तो आप वीडियो का रिजोल्यूशन चेक कर सकते हो, ऑडियो में कोई और पिन डाल करके दे सकते हो। अगर आपने बूफर यूज़ किया है तो उसको निकाल करके, उस जैक को निकाल करके अपना हेडफोन वाला जैक डाल करके देखो, अगर दोनों में प्रॉब्लम कर रही है तो हो सकता है कि उसका जो हार्डवेयर पार्ट है वहाँ पे वो ख़राब हो गया है। तो आप एक्सटर्नल जो एक आता है, क्या बोलते हैं उसको, ऑडियो PCI बोर्ड जो बोलते हैं, वो लगा करके काम कर सकते हो, तो हो सकता है उसमें आपका ऑडियो आ जाए, यहाँ पे ऑडियो आपका ख़राब है, आगे खराब नहीं सपोर्ट कर रहा है तो पीछे वाले जो मदरबोर्ड वाले पिन से, मैं कंप्यूटर की बात कर रहा हूँ, डेस्कटॉप कंप्यूटर की, तो जो फ्रंट पैनल है वो अगर काम नहीं कर रहा हो सकता है बैक पैनल काम कर रहा हो सकता है, अपने फ्रंट पैनल का जो पिन्स हैं वो पिन्स नहीं लगाए हैं। तो इन्हीं सारी ढेर सारी चीज़ें होती हैं, हो सकती हैं कि आपको उस उन चीज़ों की प्रॉब्लम आ रही है। यहाँ पे एक सवाल उभर करके सामने आता है कि भैया अगर इतनी सारी चीज़ें हो सकती हैं तो फॉर्मेट करना कब है, नहीं करना है, क्यों करना है आपको फॉर्मेट? अगर आपको विंडोज़ 7 फॉर्मेट करके फिर विंडोज़ 7 ही लगाना है, विंडोज़ 10 पे आप जाना ही नहीं चाहते हो तो क्यों करना है आपको फॉर्मेट? जब आपको अपग्रेड नहीं करना है तो फॉर्मेट क्यों करना है? हर चीज़ का एक एक सोल्यूशन तो है भैया, फॉर्मेट करना ही क्यों है? फॉर्मेट कब करते हैं? जब मुझे XP से विंडोज़ 7 में जाना होगा तब मैं फॉर्मेट करूँगा, विंडोज़ 7 से विंडोज़ 8 में जाना होगा तब मैं फॉर्मेट करूँगा, 8 से 10 में जाना होगा तब मैं फॉर्मेट करूँगा, या मेरा सॉफ्टवेयर ही नहीं चल रहा है, बूट लोडिंग ठीक से नहीं हुआ, या फिर मैंने ऐसी कोई एडमिनिस्ट्रेटिव छेड़खानी कर दी है जिसके वजह से बूट फाइल वहाँ से गायब हो गई है, अब विंडोज़ 10 ले नहीं रहा है, बूट नहीं हो रहा है, तब मैं फॉर्मेट करूँगा, जब मैं सॉफ्टवेयर को खोल ही नहीं पाऊँगा। आप भी तभी कीजिए जब आप विंडोज़ को ओपन ही नहीं कर पा रहे हैं। अगर विंडोज़ ओपन हो रहा है इसका मतलब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही है, कुछ और प्रॉब्लम होगा। अगर आपका ऑपरेटिंग सिस्टम सही है तो वो ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन होगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। फॉर्मेट तब कीजिए जब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम ऑन ही नहीं हो रहा है। उसके बाद भी बहुत सारी और भी चीज़ें हैं, हो सकता है कि आपका थर्मल पेस्ट गायब है इसलिए बार बार आप ऑन कर रहे हो बार बार ऑफ हो जा रहा है। चलिए उस सब के बारे में आगे वीडियो बनाए, बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी ये, अभी लगभग 5-10 मिनट की वीडियो होगी। तो अब तक के लिए बस इतना ही, मैं नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर बताऊंगा कि आपको कैसे कैसे टेक्नोलॉजीज़ में क्या क्या करने से आपका जो कंप्यूटर है वो हैंग हो रहा है वो हैंग होने से बच जाएगा। तो ठीक है, अगर इस वीडियो को देखे हैं और अभी तक देख रहे हैं पसंद कर रहे हैं तो इस वीडियो को लाइक किए बिना कहीं मत जाइएगा, और मैं इसी तरह के टेक्नोलॉजी और कंप्यूटर के रिलेटेड
बातें लेकर के आता रहता हूँ, तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। तो बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।